जिंदगी। हमारी आजकल की यंग जनरेशन जो है ना, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, नो डाउट, बट सम ऑफ देम आई थिंक आर रियली वीक। जिंदगी उनके उनके सामने प्रॉब्लम्स रखती जाती है, जब उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, सो दे टेक अ ड्रास्टिक स्टेप लाइक दिस। वेल, अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा स्टूपिड है। यू नो, दिस शो इज ऑल अबाउट अ सेकेंड चांस फॉर लाइफ। देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड विंड। तो यू नो, हमारी ये जो कहानी है ये प्रियंका की कहानी है। शी इज़ अ 17-year-old गर्ल जिसने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कदम उठाना ज़रूरी समझा। उन्होंने ऐसे कई सारे लोग हैं, हम ऐसे न्यूज़ में देखते हैं दैट आज इन्होंने सुसाइड कर लिया, आज इसने सुसाइड कर लिया। एंड यू नो, फॉर रीजंस व्हाई, बिकॉज दे कुडंट फेस द डिफिकल्टीज इन लाइफ। वेल, किसने कहा था कि लाइफ इज़ गोना बी इजी एनीवे, राइट? नो, दैट्स नॉट एन आंसर टू एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। Well, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि प्रियंका ने ये कदम क्यों उठाया। मैं भी जानना चाहता हूं और आप भी। ओ सॉरी अंजलि दी, मुझे नहीं मालूम था वॉशरूम में थे। तुम कौन? मैं प्रियंका सहगल, राजीव सहगल की बेटी, इंदौर से। ओ हाँ, आओ। दी, माँ ने आपके लिए मिठाई भेजी है। ये दीदी क्या लगा रखा है? मैं तुम्हारी दी नहीं हूँ, ओके? हाँ, ओके, सॉरी दी। और ये बार बार सॉरी बोलना बंद करो। चलो, तुम्हें घर दिखाती हूँ। चुप कर, बहुत नाटक करती है। चल, चल इधर आ, चल, चल। क्या हुआ? वो डोंट बॉदर अबाउट दैट, ये रोज का लगा रहता है। चलो, हाँ मम्मा, सब कुछ ठीक है। अंजलि कैसे है? अंजलि दी, अरे वो तो बहुत अच्छी है। और तेरी बात हुई उससे? माँ, पहला दिन है तो उतनी बातचीत नहीं हुई, उन्हें तो मालूम है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। अब टेंशन मत ले, वो मेरी मदद करेगी। अच्छा, एक काम कर, मेरी बात करा दे उससे। आपको क्या बात करने की जरूरत है, मैं कर लूंगी, ठीक है? अच्छा माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है, बाय। वाओ, डी की ड्रेस कितनी अच्छी है। दी, प्रियंका मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा वेट मत करना, ठीक है? ओके दी। देखो, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? मेरे पास कीज है। टाइम देखने की जरूरत नहीं है, ये मुंबई है, इंदौर नहीं, और यहाँ पर सूरज ढलने के बाद ही दिन शुरू होता है, समझी? चलो, बाय दी। बाय। ओए शिल्पी की बच्ची, अभी याद आई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा, वो अंजलि दी है ना, अरे जिनके घर पे रह रही हूँ मैं, वो रात के 10 बजे को बाहर गई है। हाँ, ये मुंबई है, सूरज ढलने के बाद ही दिन शुरू होता है। Thank you.
प्रियंका, ये दरवाजा क्यों खुला रखा है तुमने? वो थी मैं। और तुम सोफे पे सो रही थी? हाँ, मैंने सोचा आ जाओगे तो मैं अंदर चली जाऊंगी। कहा था ना मेरा वेट मत करना। चाय रख दो। वाओ, क्या पिक्चर्स है। ओह वाओ, कितना सुंदर है ये। क्या कलेक्शन है दीदी भी ना। दीदी वो 4 बज गए ना, आपको भूख लग रही होगी, आपने लंच भी नहीं किया था तो मैं आपके लिए स्नैक्स लेके आ गई। ये क्या, तुमने चाय में चीनी डाली है? हाँ, लेकिन सिर्फ 2 ही चम्मच। 2 चम्मच? ये चाय या चाशनी? I'm so sorry दी, मैं तो भूल ही गई कि आपको मीठा पसंद नहीं है। आप मुझे 2 मिनट दे दो, मैं आपके लिए बिना जिंदगी चाय लाती हूँ, ठीक है? 2 मिनट। प्रियंका, अरे रुको तो। प्रियंका, चाय वाय रहने दो, इधर आ। तुम यहाँ पर एक्ट्रेस बनने आई हो ना, तो मेरी एक बात गार्ड बांध लो। अगर तुम्हें एक्ट्रेस बनना है तो तुम्हें अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, तुम अभी से ही डाइट में रहने की आदत डालो, समझ गए ना? बात तो सही आपकी दी। अच्छा दी, वो याद है आपने फोन पे बताया था कि आप मुझे एक्टिंग में हेल्प करेंगी, आपकी तो पहचान भी बहुत होगी। हाँ, तुम्हारी पिक्चर्स दिखाना। हाँ, एक मिनट, ये देखो, ये देखो दी, ये फोटोज मैंने 3D में खिंचवाई थी। देखा आपने, ये सूट बहुत अच्छा लगता है मुझ पे। ये मेरी पागल दो शिल्पी, डॉक्टर बनने वाली है और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरे भी अच्छे मार्क्स साथ, लेकिन मुझे तो एक्ट्रेस ही बनना है। ये देखो प्रियंका, ये पिक्चर्स नहीं, तुम्हारे पोर्टफोलियो पिक्चर्स का है। पोर्टफोलियो है ना दी, ये देखिए स्टूडियो में खिंचवाए थे मैंने। आर यू किडिंग मी, दीज आर नॉट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो पिक्चर्स। प्रियंका, तुम ये पिक्चर्स लेकर कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाओगी? हाँ, ओ गॉड। प्रियंका, लिसन टू मी केयरफुली, तुम्हें प्रॉपर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो पिक्चर्स क्लिक करवाने पड़ेंगे विद अ गुड फोटोग्राफर, एक अच्छे से स्टूडियो में विद गुड हेयर एंड मेकअप। डू यू अंडरस्टैंड दी? है मेरे पास, ये देखिए मेकअप भी किया है, देखिए। स्टॉप इट प्रियंका, दिस इज अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, डू यू अंडरस्टैंड? और तुम ये पिक्चर्स कहीं नहीं दिखा सकती। अगर ऐसे पिक्चर्स लेकर तुम चली गई ना, तो कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हें खड़ा भी नहीं करेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये देखो, प्रॉपर पोर्टफोलियो पिक्चर, और तुम्हें भी ऐसे ही पिक्चर्स क्लिक करवाने पड़ेंगे, तभी तुम्हें काम मिलेगा। और इंडस्ट्री में यही पिक्चर्स चलते हैं, समझ गई? बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन, गॉट इट? अब देखो, मेरा एक फ्रेंड है जो अच्छा फोटोग्राफर है और उसका स्टूडियो भी है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। लेकिन हाँ, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। हाँ दी, मैं दे दूंगी। हाँ, 1-2 हज़ार की बात नहीं है, पूरे 20,000 रुपए लगेंगे कैश। बोलो, अब देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने मम्मी डैडी से ले लेना, फिर उन्हें वापस दे देना। लेकिन अगर तुम्हारे पास अच्छे पोर्टफोलियो पिक्चर्स ही नहीं होंगे तो तुम्हें काम कैसे मिलेगा, है ना? ठीक है दी, मैं कुछ करती हूँ। हाय, आई एम प्रियंका। तुम अंजलि की दोस्त हो? जी। तुम्हारा पोर्टफोलियो शूट करना है ना? हाँ जी। पैसे? हाँ, वो अंजलि दी बता रही थी कि पूरे 20,000 रुपए देने हैं। प्लीज भाई, अच्छे फोटोज खींचना। तुम उसकी चिंता मत करो, पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा।
तुम्हें प्रॉपर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो पिक्चर्स क्लिक करवाने पड़ेंगे विद अ गुड फोटोग्राफर, एक अच्छे से स्टूडियो में विद गुड हेयर एंड मेकअप. डू यू अंडरस्टैंड? तुम एक काम करो, ये कपड़े चेंज कर लो. ये लो. कहाँ? वहाँ पर्दे के पीछे. हेलो, आ गए वो? हाँ, काम हो जाएगा. तुम बस पैसों का इंतजाम करो. इतने छोटे कपड़े? प्रियंका, हीरोइन बनना है तो करना पड़ेगा. बच्चा कैसा है? सब ठीक? हाँ मम्मा, सब ठीक है. बस घर की तरफ जा रही हूँ. तेरे अकाउंट में पैसे डाले थे, टाइम से मिल गए ना? हाँ मम्मा. शिल्पी बता रहे थे तुम्हें फोटोज पसंद नहीं आए. नहीं मम्मा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहा. अब कहाँ शिल्पी की बातों में आ रहे हो? बच्चा, तेरे पापा बड़े परेशान हो रहे थे. अभी कुछ दिन तो हुए हैं वहाँ जाके तुझे, और इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ गई. सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक चल रहा है. थोड़ा टाइम तो लगेगा ना. क्यों, वो सहनी जी की बेटी मदद नहीं कर रही है? हाँ माँ, वही तो मदद कर रही है. उन्होंने ही कहा था पोर्टफोलियो बनाने के लिए. मैं आपको बाद में फोन करती हूँ. ठीक है, बाय. हाँ हाँ, कौन सा चैनल बताया? ओके, तो आपको यंग लड़की चाहिए. ओके, 16 to 17. डोंट वरी अबाउट इट, मैं जल्दी से शॉर्टलिस्ट करके लड़कियां भेजती हूँ. बाय. हाँ, क्या नाम बताया? मैम, अंजलि, अंजलि सानी. फोटोज तो काफी अच्छी हैं तुम्हारी अंजलि. थैंक यू मैम. पर तुमने पहले टीवी किया है, राइट? वो सुनीता मैम, पिछले साल कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली थी तो कर लिया. कैमियो था? कैमियो नहीं, इन्हें छोटे मोटे रोल्स बोलते हैं. क्या तुम्हें जिंदगी भर यही रोल्स करने हैं? ये छोटे मोटे रोल्स करके खुश हो? क्या जरूरत थी यार ये सब करने की? तुम ना, आजकल की लड़कियों का यही प्रॉब्लम है. एक तो अपना चेहरा हर जगह दिखाओ, लीड के पीछे मंडराओ, और फिर हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करो कि हम तुम्हें हीरोइन बना दें. नाउ यू टेल मी कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ. इंस्टॉलमेंट है. इंस्टॉलमेंट? मैं बैंक हूँ जो मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रही हो? अंजलि, तुम्हारे पास अगले महीने तक का समय है. अगले महीने तक पूरे पैसे दे देना, वरना मेरी कास्टिंग एजेंसी से तुम्हें कोई कॉल नहीं आएगा. और हाँ, कोई पैसे रिफंड नहीं मिलने वाले. ये कास्टिंग एजेंसी अब कोई किराना स्टोर्स तो नहीं, राइट? ड्राइवर, गाड़ी निकालना, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ. क्या है शिल्पी, बाबा फोन काट रही तो समझ में नहीं आ रहा है? और क्या जरूरत थी मम्मा को फोटोज के बारे में बताने की? हाँ हाँ, बताया था, लेकिन इसका मैं ये नहीं ना कि तू हर बार जाके मम्मा को बता दे. अच्छा, बाद में फोन करती हूँ, बाय. दीदी, आपकी कुछ बात बनी और मेरे लायक कोई रोल या कुछ? एक्सक्यूज मी, कम हियर. नो नो, नॉट यू. यू कम. व्हाट्स योर नेम? प्रियंका. ओके, एक्टिंग करने आई हो? जी. ओके, तो तुम मुझे कल 11 बजे यही मिलना. ओके, शार्प 11 o'clock. दी, यही ना सुनीता जी, कास्टिंग डायरेक्टर? हाँ, एक नंबर की चोर है. ब्लडी बिच, जस्ट इग्नोर, लेट्स गो. प्रियंका. हाँ. डीवीडी कल सुबह तक पहुंच जानी चाहिए, समझ गए? पहुंच जाएगी, लेकिन पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए. पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, तुम पहले मेरा ये काम करो. ओके? मे आई कम इन मैम? कम इन, कम. कितने दिन से हो इंडस्ट्री में? मैम, मुझे तो कुछ दिन हुए आके, अब तक कोई काम नहीं किया. क्या बात कर रही हो तुम प्रियंका, तुम तो ऑलरेडी हीरोइन हो. मतलब? मतलब कि
तुम्हारे लिए ये डीवीडी आई है, सी। देखो प्रियंका, अब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकती। अब तुम्हारे साथ ये सब हो गया है, पता नहीं ये सब कहां-कहां सर्कुलेट हुआ होगा और किन किन लोगों ने देखा होगा। वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे डीवीडी भेज दी तो मुझे ये पता चल गया। और ये डीवीडी कोई चैनल में भी भेज सकता है। आई कांट टेक रिस्क। लेकिन मैम, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने गई थी मैम, मेरी कोई गलती नहीं है। प्रियंका, आई नो तुम्हारी गलती नहीं होगी, पर ऐसा होता है, इट हैपेंस। मैम, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए ना, मुझे पुलिस कंप्लेन करना है। आप प्लीज मुझे बताइए डीवीडी भेजी किसने मैम, प्लीज आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं मैम, प्लीज बताइए। डोंट ड्रैग मी इन ऑल दिस, ओके? इससे मेरा और मेरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी पुलिस तुम्हारी क्या हेल्प करेगी? देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, पर अभी यहाँ से जाओ। गुड बाय। मैम प्लीज थोड़ी सी हेल्प। जस्ट स्टॉप इट प्रियंका, मेरे क्लाइंट्स ऐसे वैसे नहीं है। मैं बहुत बड़े बड़े चैनल्स की कास्टिंग करती हूँ, ओके? और हाँ, उनमें से कोई भी एक ऐसी लड़की को काम नहीं देगा जो 2% के छोटे मोटे फोटोग्राफर्स के सामने अपनी नुमाइश करवा चुकी हो। सो जस्ट लीव। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं छोटे शहरों से हीरोइन बनने। You know, हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स, कुछ ना कुछ एम्बिशंस होते हैं लाइफ में। एवरीबडी हैज देम, मेरे भी थे। और हम उन एम्बिशंस और उन ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए हम अपने घर के कंफर्ट को छोड़कर बड़े शहरों में आते हैं। बट व्हाट हैपेंस जब आपकी आंखों के सामने आपका ड्रीम शैटर हो जाता है? व्हाट डू यू डू देन? मुझे सुनीता जी ने सब कुछ बता दिया, तुम रो मत, ओके? आज अंदर बैठो। आई एम रियली सॉरी प्रियंका, मुझे नहीं पता था कि राज ये सब करेगा, वरना मैं तुम्हें उसके पास कभी नहीं भेजती। हम पुलिस के पास जाएंगे, हम मीडिया के पास जाएंगे और सबके सामने उसका घिनौना रूप लाएंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम चुप नहीं रहेंगे, उसे सजा दिलवा कर रहेंगे, बास्टर्ड कहीं का। ऐसा कैसे कह सकता है वो? देखो, अगर हम मीडिया में जाएंगे तो लॉयर्स की लाइन लग जाएंगी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सब लोग हमारे केस में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो राज को सजा जरूर मिलेगी। और अगर उसने पुलिस को पैसे खिलाने की कोशिश की ना, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे इंदौर तक तो बात पहुंच ही जाएगी, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी मदद कर देंगे ना। वैसे तुम्हारा इंदौर में खुद का घर है ना? नहीं नहीं नहीं, वो क्लिप किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर मेरे मामदार को पता चला तो वो तो मर ही जाएंगे। नहीं दी प्लीज, तो उसके खिलाफ कुछ ना करें, उसे ऐसे ही छोड़ दे। पता नहीं दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं रात से बात करती हूँ, ओके? हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? छी, इतना गंदा काम, वो भी किसके साथ? मेरी छोटी बहन जैसी है ये, यू बास्टर्ड। अब तो वीडियो बन गए हैं, तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। वैसे भी अभी तक इस वीडियो की सिर्फ डीवीडी बनी है, मैं चाहूँ तो इंटरनेट पर डाल सकता हूँ। प्लीज भैया, मिस ऐसा कुछ मत कीजिए, क्या बिगाड़ा है मैंने, क्या किया है मैंने, मत करो प्लीज। क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 3 लाख। 3 लाख? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहाँ से लेंगे हम 3 लाख? हाँ देखो, तुम हमें ब्लैकमेल ही कर सकते हैं, हम पुलिस के पास जाएंगे। हाँ तो जाओ ना, जब तक पुलिस मेरे पास आएगी तब तक ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका होगा। तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, आस पड़ोस, हर जगह। इसलिए चुपचाप 3 लाख दे दो और इस मैटर को यहीं खत्म करो। वैसे भी
तुम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चल चल निकल, पहले 3 लाख रुपयों का इंतजाम कर। तुम्हें देख लूंगी बाजी, ये तुमने ठीक नहीं किया। I'm sorry, प्रियंका, मैंने राज के साथ बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। हमें उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन दी, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? एक रास्ता है। प्रियंका, are you ready? दी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ओहो, don't worry, प्रियंका। ये मुंबई की हाई क्लास पार्टीज ऐसी ही होती है, उन्हें बस खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती है अपनी पार्टी में, और कुछ नहीं करना होता है। सीरियसली, मैं ऐसी पार्टीज में जा चुकी हूँ और बहुत पैसे मिलते हैं। दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, राइट? दी, राज ने जो किया उसके बाद किस पे भरोसा ही नहीं होता है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अरे तुम अकेली थोड़ी ना हो, मैं भी तो आ रही हूँ ना तुम्हारे साथ। और मैंने कहा ना तुमसे कि मैं पहले भी ऐसी पार्टीज में जा चुकी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाबा। वैसे भी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है तो नहीं ना? दिस इज द ओनली वे यू कैन पे राज। और एक बात बताओ मुझे, बिना पैसों के तुम मुंबई में कितने दिन सरवाइव कर पाओगी, या वापस इंदौर जाने का इरादा है तुम्हारा? नहीं ना? तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। ओके, चलो जल्दी चलो। शिल्पी को फोन करती हूँ। हेलो शिल्पी, हेलो हेलो शिल्पी, हेलो सो शिल्पी। हेलो, हाँ मम्मा, हाँ वो गलती से लग गया था, मैं आपसे बात मत करती हूँ। प्रियंका वॉज कंप्लीटली हेल्पलेस, क्लूलेस ऑफ सॉर्ट्स, यू नो, उसे सिर्फ अंजलि में कंफर्ट नजर आ रहा था। आपको पता है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हम हमारी प्रॉब्लम अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। And they take care of us. वो हमें सही एडवाइस देते हैं, tell us what to do. But प्रियंका ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं की, एंड उसके पास कोई नहीं था जो उसे सही एडवाइस दे सके। सो आई थिंक किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम ना शेयर करना प्रियंका की सबसे बड़ी गलती थी, the biggest mistake. Come on, प्रियंका, हम पार्टी करने जा रहे हैं, चल आप, okay? दी, वो पैंट्स पहन लो क्या? पैंट्स? नो वेज, तुम बहुत अच्छी लग रही हो उसमें। दी, नो नो नो। चिकती क्यों है? लोगों को दिखाना चाहती है तू? हाँ? और निकल गए तेरे, हाँ? होशियारी दिखाती है? ये ले। चल,
जल्दी से पी लो। ये क्या है? दवाई समझ के पी लो। चलो 1 2 3 कम ऑन। चलो चलो कम कम कम। अच्छी लग रही है बात। कहाँ जा रही है? कहाँ जाना चाहती है? मुझे बचा लो प्लीज। रुक, लिफ्ट आ गया। चलो प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। भागेगी, चल मुझे बचा लो प्लीज। अरे भागेगी, चल तमाशा दिखा लूँगी। ए दीदी मैं जो मत करूँगा, चल मुझे बचा लो प्लीज। दीपू औरत, अरे दीपू दरवाजा खोलो। औरत क्या दरवाजा खोलो? मैंने तुमसे कहा था ना, हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इग्नोर देम। दी खून बह रहा था उस औरत का, वो चोट लग गई थी उसे, वो आदमी ने मार डालेगा दी हमें। वो अगर मारना होता तो अब तक मार देता वो। एंड प्रियंका, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हम क्या सारे नेबर्स के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में लगे हैं क्या? हाँ नहीं ना? सो रिलैक्स, ओके चलो स्माइल, चीयर अप, हम पार्टी में जा रहे हैं, यू नीड टू एंजॉय। ओके अभी तक इस वीडियो की सिर्फ डीवीडी बनी, मैं चाहूं तो इंटरनेट पर डाल सकता हूं। एक मिनट ये लो। मुझे नहीं पीनी। पानी है ले लो, सबके हाथ में ग्लास है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, अजीब लग रहा है, पी लो पी लो चुपचाप। ये सब जो लोग देख रही हो ना तुम, ये सब बहुत पैसे वाले हैं, बस काम से हारे हुए, अपनी बीवियों से उब गए, इन शॉर्ट सेक्सुअली डिप्राइव्ड है। इनके पास इतना पैसा है कि पैसा खर्च करने के लिए वजह ढूंढते हैं लोग। गुड इवनिंग लेडीज, आई एम आकाश। हाय, नाइस टू मीट यू। Guys, excuse me. I'll just be back. Deep. What's your name? Priyanka. ये क्या है? Waiter, come. No, it's okay. I don't need it. It's okay. Please try. This is fantastic. This is very good. Please leave it. अरे पियो ना. अरे come on, कुछ नहीं होता. Take it. Please take it. No problem. Take it, please. Good. देखो, मैं भी पी रहा हूँ. वाह, बहुत ही प्यारा नाम है और तुम हो भी बहुत प्यारी। वो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या था? खैर वो भी सुंदर है बट तुम्हारे जितनी नहीं। इट्स गुड, प्लीज हैव इट, चीयर्स। ओके वाह, प्रियंका आराम से प्लीज प्लीज सिट। ओके रिलैक्स। प्रियंका आर यू ओके? प्रियंका आर यू ओके? तुम ठीक हो? तुमको रेस्ट करना पड़ेगा। प्रियंका कम ऑन, गेट अप, आ जाओ। Come.
ये मुझे उस रूम में मिला जहां मेरी आंख खुली। जो भी हुआ वो एक पूरा सपना था। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हंसते जाओ, नाटक करते जाओ, पर तुम हारना मत, तुम जीतते जाओ। जस्ट फेक इट, यू विल मेक इट। बस नाटक करते जाओ, नाटक करते जाओ, बस नाटक करते जाओ। Darling, I'm so happy today. Finally, we did it. Anjali di. Di. Priyanka, कहाँ चले गई थी तुम? पता है मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी? तुम? दी, ये तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ दी, ये एक्चुअली ना झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं जब तुम सब कुछ सच जान रहे। हाँ, ये सब मैंने ही किया। दी, तुमने दी क्यों क्यों जवाब दो। दीदी बोलती थी मैं आपको, क्या बिगाड़ा था मैंने? हाँ, क्यों किया था मेरे साथ ऐसा? हाँ दी, मैंने भी तो तुम्हें अपनी बहन की तरह ही रखा। कल जो कुछ भी हुआ तुम्हें याद है? नहीं ना। तो बस भूल जाओ सब कुछ, अब ये दुनिया है ही ऐसी। मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें यूज कर लिया। ये मुंबई और यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, सो चिल, ओके? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, पुलिस के पास लेके जाऊंगी। नहीं जा सकती तुम, क्योंकि अगर तुम गई तो तुम्हारा वो होम वीडियो मैं इंदौर कुरियर करवा दूंगी तुम्हारे पेरेंट्स के पास। पुलिस के पास तो जाऊंगी मैं, इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। फाइन, तो फिर मैं आज ही कुरियर करवा देती हूँ। तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ एक है? ना, वो क्या है ना प्रियंका, कि रात बहुत लंबी थी और सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मैंने दो कैमरा यूज किए। सो क्या सोच रहे? पुलिस के पास जाना चाहती हो तुम? जाओ, बट आई डेयर यू कि वो वीडियो मैं हैंड डिलीवर कर दूंगी तुम्हारे पेरेंट्स के पास, ताकि मैं भी तो उनके रिएक्शन देखूं ना। हम भी तो देखिए कि कैसे लगा उन्हें अपनी बेटी का परफॉर्मेंस। इसलिए मैं कहती हूँ वही करो, इसमें तुम भी खुश और मैं भी खुश, और तुम इतने पैसे कमाओगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। वैसे भी तुम यहाँ पर एक्टिंग करने आई हो ना, तो करो ना एक्टिंग, तुम्हें सब कुछ पसंद है, ये जो भी करो सब कुछ पसंद है, ये एक्टिंग करो, करोगी ना? कम ऑन बेबी। इतना रहोगी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। प्रिटी लगना है ना? चलो ये ड्रेस पहन लो और जल्दी रेडी हो जाओ।
प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचाओ जिंदगी। उठो, चलो चलो, मैंने कहा ना उठो। नहीं, चलो चलो मेरे साथ, तुम कब तक इसे सहन करोगी? हाँ, तू बाहर जाएगी, घर के बाहर कदम रख के तो दिखा। और तेरी तो मैं हाँ मम्मा, मेरी अभी लॉयर से बात हुई। हाँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उन लोगों को। और आपको पता है, मैं ना पुलिस कमिश्नर से ही मिली थी। उन्होंने कहा कि मेरी स्टेटमेंट की वजह से पूरा रैकेट पकड़ा गया है। 30 से ज्यादा लोग थे। बच्चा, तेरे न्यूज दिखा रहे हैं टीवी पे कि कैसे तूने सारे रैकेट को पकड़वा दिया है। अच्छा अच्छा मम्मा, सुनिए ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं स्टेशन जा रही हूँ शिल्पी को पिक करने। शिल्पी को? अरे मैंने आपको बताया था ना कि वो एक हफ्ते के लिए आ रही है यहाँ पे। शिल्पी तुम्हारे पास रहेगी? हाँ मम्मा, मेरे साथ रहेगी। ठीक है, चलो बाय। दी, मेरे को लेट हो जाएगा, मेरा वेट मत करना। ठीक है प्रिया, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। प्रियंका, हमारा चैनल नंबर 1 होने के नाते हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू लोगों को क्या मैसेज जा रहा है। और वैसे तो तुम जानती होगी प्रियंका कि हमारे व्यूअर्स ज्यादातर औरतें हैं, और हम उन्हें ताकत का हिम्मत का मैसेज देना चाहते हैं। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में कितनी मुश्किलें झेली और उन मुश्किलों से लड़कर तुम आगे बढ़ी हो, जीती हो, और यही जज्बा हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मुझे लगा मीडिया ने जो मेरे बारे में स्टोरीज बनाई है, आई थिंक उसके बाद मैं वो एग्जांपल बन चुकी हूँ जिसको देखकर हर माँ अपनी बेटी से कहती होगी कि बेटा इसकी तरह नहीं बनना। नहीं नहीं प्रियंका, गलतियां तो सबसे होती हैं। इनफैक्ट हर माँ को अपनी बेटी को ये सिखाना चाहिए कि गलती करो भी तो उबरो कैसे, गिरो भी तो उठना सीखो, लड़ना सीखो। सिचुएशन कोई भी हो, इफ यू फेस इट यू विल मेक इट। बट प्रियंका, तुम में इतनी हिम्मत आई कहां से? इफ यू फेस इट यू विल मेक इट। जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, जब आप हालात से इतना हार जाते हो कि सामने कोई रास्ता ही नहीं नजर आता, करो या मरो वाली सिचुएशन, तभी वापस उठ के खड़े होने की हिम्मत आती है। वाओ, वी आर इंप्रेस्ड बाय यू। इसीलिए हमारा चैनल तुम्हारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। क्या लगता है तुम्हें? तो आप चाहते हैं कि मैं आपके ब्रांड का फेस बनूं? यस ऑफ कोर्स। हमारा चैनल कंट्री का नंबर 1 चैनल है, एंड इट्स अ बिग डील प्रियंका। पर सर, मुझे तो एक्ट्रेस बनना था, आप मुझे एक्ट्रेस बना दीजिए ना। उसने अपनी डिटर्मिनेशन के बदौलत हर मुसीबत को मुंह तोड़ जवाब दिया। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज़ शी फेस्ड इट। और वो कहते हैं ना, इफ यू फेस इट यू विल मेक इट, एंड शी फेस्ड इट, एंड लुक एट हर, शी डिड मेक इट। मैं ऋत्विक धनजानी आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल एंड एन इंस्पायरिंग स्टोरी ओनली ऑन एज मी। मेक श्योर यू देयर। पल में समझती है, पल में बदलती है तू जिंदगी।
ऐसा कर फिर पल में रुलाती है क्यों जिंदगी रोशनी तू कभी है कभी तू खुशी भी तू बनाए तोड़े वही सपने सब कुछ तू छीन जाए तेरे दर पर